हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कमल चौधरी और द सिनेमैटिक लाइफ की तरफ से आज मैं आपको जो टिप देने जा रहा हूं वो रिलेटेड है कैरेक्टराइजेशन को लेकर, कि आप डिफरेंट तरह के कैरेक्टराइजेशन को कैसे पोर्ट्रेट करना सीखें और कैरेक्टराइजेशन को डेवलप कैसे किया जा सकता है। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में जितने लोग हैं उतने ही कैरेक्टर हैं, और आप अगर दुनिया में अगर घर से निकलते हैं तो सुबह से शाम तक आपको न जाने कितने अलग अलग तरह के लोगों से मिलना होता होगा। ऑफिस में कई लोग दुकानदारी करते हैं, कई लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हर तरह के अलग अलग नेचर के लोग मिलते हैं आपको। कंजूस लोग मिलते हैं, खुले दिल के लोग मिलते हैं, फिर लोग बहुत झगड़ालू होते हैं, हर बात पे झगड़ा करते हैं, फिर लोग बहुत मुस्कुरा के बात करते हैं, बहुत जॉली नेचर के होते हैं, फिर लोग बहुत सड़ियल होते हैं, बड़ी खामोशी से बात करते हैं, फिर लोग उनकी हॉबीज अलग हैं, किसी को घूमने का शौक ज़्यादा है, किसी को फिर लोग घर बैठना पसंद करते हैं, फिर लोग चोर किस्म के नेचर के हैं, कुछ बहुत ईमानदार हैं। तो कैरेक्टराइजेशन का कोई अंत नहीं है, और उसको सीखा ऐसे जा सकता है कि हम लोगों को ऑब्जर्व करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका मॉड्यूलेशन, उनका वॉइस टेक्सचर, कि लोग किस तरह से चलते हैं, अगर वो माइजर है तो वो कैसे बात करता है, अगर वो खुले दिल का है या वो स्टडियल है या वो खुश दिल है, तो उसके बोलने का तरीका, उसकी चाल, उसके सीढ़ी उतरने का तरीका, उसके किसी को गाली देने का तरीका, उसके खाने का तरीका, उसके उठने का तरीका, सब चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। मैं कहता हूँ हम अपने आसपास की दुनिया से ही एक्टिंग सीख सकते हैं। हमारे आसपास हम सुबह से शाम तक ना जाने अनगिनत कैरेक्टर को मिलते हैं। हम खुद भी देख लीजिए कि जब हम सुबह उठते हैं, अगर हम घर पे हैं तो अपने माँ बाप के साथ हम कुछ और होते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो स्टूडेंट हो जाते हैं, हम लोग अपने टीचर्स के साथ कुछ और होते हैं, फ्रेंड्स के साथ कुछ और होते हैं, हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं तो हम एक लवर हो जाते हैं। हम अपनी रियल लाइफ में भी ना जाने कितने करेक्टर पोर्ट्रे करते हैं, बस उसको कैमरे के सामने पोर्ट्रे करना भूल जाते हैं। तो एक्टिंग सीखने के साथ साथ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप अपनी आसपास की दुनिया से आंखें खोल के चलिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, अच्छी ऑब्जर्वेशन से आपके अंदर डिफरेंट तरह की करेक्टराइजेशन को पोर्ट्रे करने की ताकत बढ़ेगी, आपकी अलग पहचान होगी। अगर आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ एक्टिंग करते रहेंगे, मान आप अनमोल हैं, धीरज हैं, संदीप हैं, करण हैं, कुणाल हैं, अगर आप अपनी आइडेंटिटी के साथ एक्टिंग करते रहेंगे तो आपको दुनिया बाबा नहीं करेगी, अच्छा एक्टर नहीं मानेगी। हर बड़ा लाजवाब एक्टर तभी अच्छा एक्टर है जब वो डिफरेंट तरह के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना चाहता हो। अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जी, आमिर खान, अनिल कपूर, हम सब इनके क्यों फैन हैं? क्योंकि इन्होंने लाजवाब तरह के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है। स्मिता पाटिल जी, शबाना आजमी, रेखा, श्रीदेवी, कैटरीना की, दीपिका पादुकोण, आप देखिए आजकल के कलाकार भी कितने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं कैरेक्टराइजेशन को लेकर। और आप भी जब एक्टिंग सीखें तो डिफरेंट तरह के कैरेक्टराइजेशन को पोर्ट्रे करना जरूर सीखें, नहीं तो आपकी एक्टिंग की पहचान अधूरी रहेगी। और इसके लिए सबसे बढ़िया मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, ऑब्जर्वेशन। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, चलते फिरते, उठते बैठते, क्लास में आते, टीवी देखते वक्त लोगों को देखिए, लोगों का नज़रिया देखिए, तो उसी नज़रिए को अपने अंदर ढालने की कोशिश कीजिए। जब आप में एक अलग तरह के कैरेक्टराइजेशन को पोर्ट्रे करने की क्षमता आ जाएगी तो आपको बॉलीवुड सैल्यूट करेगा और अच्छा काम आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये टिप काम का है, मेरा ये वीडियो काफ़ी लोगों को एक्टिंग सीखने में हेल्प कर सकता है कैरेक्टराइजेशन को लेकर, तो प्लीज़ शेयर करें इसे ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग द सिनेमैटिक लाइफ और कमल चौधरी के बारे में जान सकें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिंदगी एक सिनेमा है और जिंदगी के किसी न किसी सिनेमैटिक मोड पे मेरी आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।